Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss example 9.12. So this example is also very easy, and this example says that a distribution exactly normal 10.03% of the items are under 25 kilograms of weight. So हम लोग इसको लिख लेंगे. यहाँ पे हमें ये given है कि 10.03% जो भी हमारे आइटम्स है वो हमारे 25 किलोग्राम ऑफ वेट्स है उसके अंदर है, एंड 89.97% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 70 किलोग्राम्स ऑफ वेट. व्हाट आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमें दो चीजें जो है वो हमें ये गिवन है कि जो भी हमारा आइटम्स है तो उनमें से जो टोटल हमारे परसेंटेज की, देखिए ये पहले तो फॉर्म में दिया हुआ है कि हमारा 10.03% जो आइटम है वो हमारे अंडर 25 है, तो उसको हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया. अब अगर इसको देखिए हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 25 इज इक्वल टू 0.1003. तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं. एंड सेकेंड हम लोगों को दिया हुआ था कि जो भी हमारे 89.97% जो आइटम्स हैं वो हमारे अंडर 70 हैं, तो देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 70 इज इक्वल टू, ये हमारा परसेंटेज में था तो ये हमारा है 89.97%, तो इसको भी हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 70 देन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाया तो ये हो जाएगा 0.8997. तो हम लोग इन दोनों को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है एंड मीन फाइंड करना है. तो उसके लिए देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट कर लेंगे. तो देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना आप लोगों को अच्छे से आता है, तो देखिए मैं इसको अब थोड़ा इधर शिफ्ट करके लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे. तो देखिए ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज लेस देन 25, देन 25 से भी यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1003. देन सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन 70 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा देन इज इक्वल टू 0.8997. तो ये देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो गया. अब देखिए हम लोगों को पता है कि ये जो है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, तो ये z में कन्वर्ट हो जाता है, देन z इज लेस देन 25 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.1003, देन प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 70 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.8997. तो देखिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया है. तो अब अगर देखिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो सबसे मेन इसका ग्राफ है, आपको सारा सॉल्यूशन उसमें से ही पता चल जाएगा. तो देखिए हमने ये बनाया नॉर्मल कर्व, आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं z इज इक्वल टू 0. अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि जब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इस क्वांटिटी से कम है तो यहाँ पे आप लोग इसको z1 मान सकते हैं और इसको यहाँ पे आप z2 मान लीजिए. तो देखिए जब z की वैल्यू लेस देन z1 है तो ये हमें क्या प्रोबेबिलिटी दे रहा है, ये हमें प्रोबेबिलिटी दे रहा है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करके देखोगे तो मान लीजिए आप इसको मान सकते हैं 10, आप इसको 10 मान लो. अब 10 का मतलब है कि वो अगर आपका ये 0 है, दैट मीन्स कोई ऐसे नंबर से कम है वैल्यू, और वैल्यू को लेस होने पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या आ रही है, 10 आ रही है. तो इसका मतलब यहां से ये क्या हो, देखिए मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे देखिए 1003 लिखा है, अगर आप उसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 0.10 हो जाएगा. यहाँ पे भी अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो राउंड ऑफ करने के बाद ये आपका 10 बन जाएगा, आप यहाँ पे इसको 9 मान सकते हो, 0.90 आप मान सकते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बड़ी है और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये छोटी है, इसका मतलब z जो है वो हमारा z1 से लेस हो रहा है और प्रोबेबिलिटी हमारी 10 आ रही है, 10 मान सकते हो या फिर आप 1.1 भी मान सकते हो अगर आप लोग राउंड ऑफ करोगे. तो इसका मतलब ये z1 हम लोग कहाँ पे लेंगे, ये z1 हम लोग लेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मतलब कि इस z1 से अगर ये जो z है ये लेस हो रहा है तभी आपको प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है, आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है 0.1003. ओके अब देखिए मैंने ये क्वांटिटी यहाँ पे क्यों नहीं ली, ये क्वांटिटी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ली बिकॉज ये इस क्वांटिटी से ये z1 है, दैट मीन z1 से लेस, लेस का मतलब सारा इधर का पोर्शन जाएगा और आपको पता है कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.50 होती है, बट यहाँ पे तो 0.50 नहीं आ रही है, यहाँ पे अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 0.10 आ रही है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 आ रही है. तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू z1 है वो यहीं कहीं पे होगी. अब देखिए ये जो क्वांटिटी है
अब इसमें हम लोगों ने इसको जेड टू माना है, तो जेड टू को हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, तो देखिए जेड टू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब भैया यहाँ हम लोग क्यों रखेंगे, तो देखिए वो इसलिए रखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ कह रहा है जेड की वैल्यू जो है वो लेस देन जेड टू हो रही है, तो 0.80 प्रोबेबिलिटीज की आ रही है। अब देखिए 0.80 मतलब की 0.5 से तो बड़ी होगी ना, तो दैट मीन्स अगर जेड टू से हम लोग लेस वाली क्वांटिटी, दैट मीन्स हम लोग इधर जाएंगे, तो इधर जाने पर देखिए ये तो क्वांटिटी हमें पता है कि 0.50 है, दैट मीन्स ये भी कुछ ना कुछ होगी, तो 0.50 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। इसका मतलब Z2 की जो वैल्यू है, मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूं, तो ये लेस की बात जो कर रहा है वो ये एरिया है कि आप जब इससे लेस में जाओगे तो ये पूरा एरिया जो है ये Z2 आपका कवर कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए Z2 को हम लोग इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है रेड पेन से, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0.8997। नाउ अब एक और चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, वो ये कि देखिए जेड वन को हम लोगों ने निगेटिव साइड लिया है, तो देखिए यहां से हम लोग कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन स्मॉल माइनस का जेड वन हम लोगों ने यहां पे ले लिया, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0.1003, एंड यहाँ पे जो ये है ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन जेड टू देन इज इक्वल टू 0.8997। इस तरह से हम लोग लेंगे, बिकॉज ये देखिए पॉजिटिव में, तो यहाँ पे पॉजिटिव का, ये हमारा निगेटिव साइड है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का ले लिया। अब आप लोग को देखिए ये भी पता है कि अगर z इज लेस देन माइनस जेड वन है, तो देखिए ये वैल्यू जो हमारा ग्राफ होता है ये है सिमेट्रिकल। अगर हम लोगों को पता है कि z इज लेस देन माइनस जेड वन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं z इज ग्रेटर देन जेड वन भी लिख सकते हैं, बिकॉज ग्राफ हमारा सिमेट्रिकल है, जो वैल्यू इसकी माइनस की तरफ होगी वही वैल्यू ये इस तरफ भी प्लॉट करेगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे 0.1003। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जेड वन हमारा यहाँ पे हो गया, मतलब जेड की वैल्यू जो है, अगेन आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ कहीं पे आ गई है और ये जेड वन है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपकी ग्रेटर वैल्यूज ले रहा है, दैट मीन्स ये आगे वाली वैल्यूज ले रहा है। तो देखिए हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर का भी आपको पता है कि ये यहां से यहां तक का 0.5 होती है वैल्यू, तो हम लोग कर सकते हैं 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 इज लेस देन जेड इज लेस देन जेड वन इज इक्वल टू 0.1003 हम लोग कर सकते हैं। अब यहां से देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.3 माइनस 0.1003 इज इक्वल टू 0.0 लेस देन जेड इज लेस देन जेड वन। अब जब हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है हमारी वो कुछ आ जाएगी, तो वो मैं बता रही हूं आपको, 0 इज लेस देन जेड इज लेस देन जेड वन इज इक्वल टू 0.3997, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जब हम लोग नॉर्मल की टेबल से देखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी किसके करस्पॉन्ड आ रही है, तो वो आप लोगों को मिलेगा कि Z1 आ रही है 1.28 के करस्पॉन्ड। अब देखिए सिमिलरली हम लोग इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, अब ये हमारा क्या था, Z इज लेस देन Z2 मतलब कि ये इससे लेस, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 0.5 है ये एरिया, तो ये 0.5 तो हम लोगों ने लिख लिया, और ये वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ये वैल्यू जा रही है 0 से Z2 तक, तो हम लोग ये लिख सकते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी 0 इज लेस देन Z इज लेस देन Z2 इज इक्वल टू 0.8997। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। अब देखिए ये हम लोगों ने लिख लिया, अब यहां से डायरेक्टली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह प्रोबेबिलिटी 0 इज लेस देन Z इज लेस देन Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करके कोई क्वांटिटी आ जाएगी, उसके बाद आप लोग सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ किया था वैसे ही आप लोग इसको कंपेयर करोगे टेबल से, देन वहां से आपको जो Z2 की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 1.28। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि आप लोगों को Z1 और Z2 की दोनों की जो वैल्यू है वो सेम मिली है। अब देखिए Z1 हमारा क्या था, Z1 की वैल्यू हमारी ये थी, एंड Z2 की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए Z1 की वैल्यू हमने लिखी 25 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1.28, देन हमने लिखा यहां से Z2 की वैल्यू 70 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1.28, एंड अब इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का हमारा आंसर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 47.5 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 17.578। तो ये इनके आंसर्स आ जाएंगे इनको सॉल्व करने पे, बिकॉज यहाँ पे जब आप लोग इसको इधर भेजोगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी म्यू और सिग्मा के फॉर्म में, और इन दोनों को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको म्यू एंड सिग्मा की वैल्यू पता लग जाएगी। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।